तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, ऐसा है, पहले लेक्चर लगाऊंगा ऐसा कह दो। सो हेलो एंड वेलकम बैक माय आर्मी। आप लोग डिस्कस कर रहे हैं आज इंटीग्रेशन 100 मिनट्स का डेली डोज बिगिनर सीरीज में। एक बारी लिख दो, लेट द मैजिक बिगिन। अगर मेरे अंटर पंटर बिल्कुल बंदर सबके सब एब्सोल्युटली रेडी है। एक और चीज बता दी जाए आपको कि यार देखो, ये चल रही है अपनी 21 डेज 21 टॉपिक्स को बेसिक से करने की सीरीज। बिकॉज द आइडिया इज वी फाउंड कि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चैप्टर तो करें लेकिन द थिंग इज बेसिक से नहीं आते, है ना। सो उनको टारगेटेड है ये सीरीज, यानी कि इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम और यू सिंपली वॉन्ट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एक बारी आपने ये लेयर लगा ली बेसिक वाली, उसके बाद आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है tinyurl.com/jeeewithnehamam, रट लो, अब तो रट गया होगा। यहाँ से अपनी जेई मेन्स एंड देन एडवांस की पूरी तैयारी कर सकते हो विद माय हैंड रिटन नोट्स, PYQ के सेशंस, ठीक है, एंड NTN सेंगेज बुक के सवाल, चैप्टर वाइज मॉक पेपर्स एंड अलॉट मोर। एंड आपके सारे के सारे DPPs जो है इन सेशंस के, वो मिल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप ऑफ मैथमेटिकल इंक्लाइंड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारे के सारे बच्चे हमारे एक बारी बता दो तैयार हो तो, ओके। तो इंटीग्रेशन को जैसे मैंने कहा बिल्कुल जीरो लेवल से करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है वो आपको पता चल गया होगा, ओके। एंड ये सारे बिगिनर्स सीरीज की प्लेलिस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगी, या फिर यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट देन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे के सारे ये टॉपिक्स करेंगे एंड लेट मी टेल यू, देखो इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स हैं, एक इनडेफिनेट एक डेफिनेट, करेक्ट। हल्का हल्का सा आइडिया ज़रूर होगा तुम लोग को अगर तुम्हारे पास फिजिक्स है तो, ठीक है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, नॉर्मली यहाँ से ऑन एन एवरेज दो दो सवाल भी हमने हर शिफ्ट में डेफिनेट के स्पेशली देखे हैं, ठीक है। तो ये मान सकते हैं कि इंटीग्रेशन से आपके दो सवाल तो लगभग आते ही आते हैं, ज़्यादा तो डेफिनेट, पर इनडेफिनेट भी। द थिंग इज बेसिक स्ट्रॉन्ग किए बिना चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, राइट। सबसे पहला कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है, राइट। तो बेटा ऐसा है, सब के सब फॉर स्टार्टर्स, और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में एक तो लिख देना क्या 100 मिनट्स बेसिक्स इंटीग्रेशन डन। जो नहीं लिखेगा मैं बता रही हूँ फिर पिटाई होगी। अच्छा, सबसे पहले तो शुरुआत सारे के सारे एक उल्टी स्माइली बना के कर लो, जल्दी से ये काम होना चाहिए। नाउ आप सोच रहे होंगे कि नेहा मामी उल्टी स्माइली का क्या मतलब है। वेल, अभी तक जो हमारी लाइफ डिफरेंशिएशन हमने सीखी थी यार, क्या चैन से मजे से हम सीख रहे थे, अब हमारी लाइफ उल्टा हो जाएगा क्योंकि एंटी डिफरेंशिएशन है। आंटी नहीं बेटा, एंटी डिफरेंशिएशन, ठीक है। यानी जो सीखा था सब उल्टा होने वाला है तुम्हारी लाइफ में। ओके जी, ओके। तो ये चीज़ हम समझते हैं, आगे बढ़े। यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि आप जो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 2x पे लेके गए थे, अब 2x को इंटीग्रेट कर ले तो इंटीग्रेशन प्रोसेस है। जैसे डेरिवेटिव निकालने का डिफरेंशिएशन प्रोसेस था, वैसे इंटीग्रेशन प्रोसेस है क्या, एंटी डेरिवेटिव निकालने का। चलिए बहुत बढ़िया बात हुई, एंटी डेरिवेटिव इसे बुलाते हैं। अब यहाँ पर आप भी समझ लीजिए आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है जी। चलो आगे कैसे बढ़ना है, यहाँ पे पहले तो स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर धीरे धीरे करके आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। लेकिन जितने बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं अटेंडेंस आप पे लगाएंगे। ओके, वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fxdx, ठीक है। fxdx यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है पहले तो समझो। ये जो फंक्शन अंदर होता है इसको क्या कहते हैं हम, इंटीग्रैंड, ठीक है। जिसके विद रिस्पेक्ट आपने इंटीग्रेट करना है उसे कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बार ये बात कर लो, उसके बाद ये सी जो होता है इसकी बात हम थोड़ी सी बाद में करेंगे। पहले देखो ऐसा है, जैसे मैंने कहा सब कुछ रिवर्स होने वाला है, तो मैंने बोला यार बड़े मज़े से हमने जो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर 2x सीखा था
अब इसी को मैंने बोला यार मैंने इंटीग्रेट करना है तो मेरे पास यार एक्स स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, जो डेरिवेटिव ऑफ हमने साइन एक्स सीखा था बड़े मजे मजे में क्या था, कॉस एक्स। इसका मतलब मैं कॉस एक्स का रिवर्स करूं तो मुझे ओरिजिनल फंक्शन साइन एक्स मिलना चाहिए। थोड़ी थोड़ी फील आ रही है, लिख दो एक बार। हाँ मैम, थोड़ी थोड़ी फील आ रही है, ठीक है। चलिए तो अब करते क्या है, थोड़ा सा आगे समझते हैं। दो प्रकार के आपके इंटीग्रेशन होने वाले हैं। ये वाला सांप जब दिखेगा बेटा, ये सांप ही है, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल सांप की तरह है, ऐसे दिखेगा विदाउट एनी लिमिट्स। तो इसको आप इंडेफिनेट बनाओगे, इसका मतलब क्या है, डेफिनेट, जो आपके एरिया अंडर द कर्व में भी बहुत काम आता है। अब प्रोसेस को समझते हैं। ये मैंने समझ लिया यार कि बॉस ये मेरा डेरिवेटिव निकल के आता है एंड ये मेरा इंटीग्रल निकल के आता है, राइट। अब मुद्दा ये है कि मैंने बोला यार सारी जगह, अभी तुम ना एक सी 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 था जिसको हम इग्नोर करके चल रहे थे, वो हमने कहा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अब द पॉइंट इज मुझे करना क्यों है ये, करेक्ट। तो सबसे पहले यार डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर तुमने बोला, मैंने बोला तो तुमने 2x बता दिया। उसी प्रकार से तुम ऐसा करो, पहले मुझे ये बताओ, मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो सबने 2x लिख दिया। अब जल्दी से मुझे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बताओ, जल्दी बताना चैट सेक्शन में। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, बिल्कुल सही 2x, क्योंकि 5 का तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 है। अब मैंने बोला यार ऐसा है, सुनो मुझे यार 100/7 ये बताओ, तो आप बोलोगे नेहा मैम ऐसा है इसका तो 2x ही आएगा एंड इसको कर लूँ तो 0 ही आएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज मुन्ना, तूने ये तो बता दिया पर तूने ये ना बताया कि मैंने इंटीग्रेशन 2x dx पूछा, तो अब कौन सा आंसर आपको देना चाहिए? आपको एक्स स्क्वायर देना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 देना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 100/7 चाहिए, या फिर फॉर दैट मैटर एक्स स्क्वायर प्लस एनी कुटर पुटर चाहिए, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। इसलिए टू फील सेफ हमने बनाया कि यार एक सी लिख दो। सी क्या है, कोई भी रियल नंबर है, बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसे आप प्यार से या गुस्से से जो मर्जी बोलो बोलते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया है ना, समझ में आ गई ये चीज? चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है। तो सी का फंडा अपना क्लियर हो गया है, करेक्ट। तो ये सी को कहते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं अगर कहूँ फंक्शन यही, तो फंक्शन अगर मेरा एक्स स्क्वायर है तो आपको हल्का हल्का आइडिया होगा, मैं बहुत ज़्यादा हाई फंडो आपके कोनिक सेक्शंस में नहीं जा रही, लेकिन ये तो हमें भी पता है यार वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप अपवर्ड पैराबोला की तरह प्लॉट करते हो, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में भी किया होगा। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोल दूँ तो कुछ नहीं होता, एक यूनिट ऊपर चला जाता है एंड स्ट्रक्चर वही रहता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोल दो तो कुछ नहीं होता, एक स्टेप नीचे चला जाता है, स्ट्रक्चर वही रहता है। यानी कि एक्चुअली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, सेम कर्व जो आपको कर्व इनिशियली दिया है उसी के पैरेलल कर्व्स ऊपर या नीचे, समझे, उसी के पैरेलल कर्व ऊपर या नीचे, ठीक है। अब जी बताइए मुझे एंटी डेरिवेटिव एक्स रेज़ टू पावर 5 का क्या होगा? अभी बिल्कुल मैं बेसिक से सोच रही हूं कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी सी। देखो आपने ये देखना है फिलहाल कि मैं किसको डिफरेंशिएट करूं और x रेस टू पावर 5 मिल जाए। तो मुझे ये पता है कि मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो 6x रेस टू पावर 5 मिल जाएगा, इसको किया तो ये 1/5 है इंटू 6x रेस टू पावर 5 मिल जाएगा। अभी तक हमें वो नहीं मिला जिसकी तलाश थी, 6x रेस टू पावर 5 मिल जाएगा, ऑसम। तो सी इज़ द आंसर। लेकिन हम हर बार, बच्चे भी कह रहे हैं, लेकिन हम हर बार ये डेरिवेटिव डेरिवेटिव थोड़े ना खेलेंगे, कोई और भी तो चीज़ होनी चाहिए ना मुन्ना। तो अब मैंने बोला यार डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू पावर एन तो आज तक एन इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 होता है। अब सिंपल से लॉजिक पे आ रही हूँ, बट इंटीग्रेशन तो आपका यार उल्टा है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर एन नीचे कूद के एक पावर कम हो जाती है, यहाँ पे एन की पावर बढ़ जाती है,
यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे आप डिवाइड कर देते हो। इन्नी सी बात है, इसे ऐसे याद रख सकते हो, एग्जैक्टली ऐसे याद रख सकते हो। तो अगर जैसे मैंने बोला x रेस्ट टू पावर 5, तो आप क्या बोलोगे, हाँ 5 + 1 प्लस सी, बोले तो x रेस्ट टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। समझे टंग 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 टंग, समझेगी नहीं, है ना। तो क्या हो जाता है कि यही फॉर्मूला अपना सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला अपना सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला हो जाता है। तो आज का टैटू वाला फॉर्मूला क्या है, ये वाला। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि उससे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कुछ भी चलेगा n इक्वल टू -1 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अगर n इक्वल टू -1 आ गया बेटा, तो क्या करोगे, यानी कि x रेस टू पावर -1 यानी ये आ गया। अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, लेट मी सी इन योर चैट्स, लेट मी सी इन योर चैट्स। आपको बेसिकली ये सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन इधर लेके आया हो जिसको डेरिवेटिव ये हो। तो आप बोल दोगे यार log x, एग्जैक्टली log x। तो कहीं भी तुम्हें डाउट हो ना, डाउट मत रखना। क्यों? क्योंकि आपको इसी का डेरिवेटिव मन में सोच लेना कि भाई आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर से याद रखो ln या ln mod x लिख देना, यूजुअली इस तरह से लिखते हैं, जस्ट टू टेल यू कि यार लॉग के अंदर जो जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव ही आ सकती है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो या लॉग ई टू द बेस, मतलब लॉग एक्स टू द बेस ई, लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस सी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है जी। चमका, अच्छा एक और चीज़ चमकाते हैं। तो सारे के सारे, यानी ये हमने एक फॉर्मूला लिख लिया सबसे इम्पोर्टेंट वाला, अरे बाबा पहले का है बड़ा यार, हाँ प्लस सी मत भूलना। अच्छा इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान रखो साइन एक्स क्या होगा, जरा मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होगा। आप बोलोगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखो ऐसा है बेटा, कॉस आज तक टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन एंटी डेरिवेटिव ने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, सब कुछ उल्टू पुल्टू कर दिया, है ना। तो माइनस कॉस एक्स क्यों, अगर तुम्हें लग रहा है काहे, एक बार लिख दो काहे। एक्चुअली क्या है ना, जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स आएगा, टू बैलेंस दैट आउट यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान बहुत ध्यान से रखना। अच्छा आगे बढ़ूँ, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, ये बेचारा अचानक से शरीफ बन गया है, आंसर पॉजिटिव दे रहा है। फिर बोल रही हूँ कहीं डाउट हो तो डिफरेंशिएट करके देख लेना, ये आ जाना चाहिए। ओके सारे नोन फॉर्मूला कर रही हूँ मैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, जल्दी बता दो। चलो 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 दोस्तों, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, मैं भी देखूँ जरा कितने बच्चों को याद आता है कि ये किसका डेरिवेटिव है। मैंने अभी तक कुछ नहीं नया किया, जो तुमने डिफरेंशिएशन में किया तुम्हारी दुनिया पलटी है सिर्फ। एग्जैक्टली टैन एक्स, टैन एक्स सही है, सुपर। क्योंकि ये बेसिक नहीं करेंगे तो आगे चीजें मजेदार नहीं लगेंगी। ओके कोसेकेंट स्क्वायर एक्स कॉट, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, हाँ जी बिल्कुल ठीक। इस बार मैं लिखूंगी माइनस कॉटेक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि कॉटेक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो टू बैलेंस दैट आउट, है ना। ये हमने पहले ही कर लिया है। अब ये बताओ, मैं ये देखूं इसको कितने बच्चे बता पाते हैं, इसको उड़ा पाते हो कि नहीं। आए हाय, आए हाय हाय, ये एक ऐसा फंक्शन है बॉस, ये भैया सबसे ज्यादा स्वाग में रहता है। इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसे इंटीग्रेट कर लो ई रेस टू पार एक्स, तो ई रेस टू पार एक्स ही रहता है। अब ये वाले ऐसे फॉर्मूलाज है जो अपने को नोन है, राइट, इन्हीं में पहले गेम खेलते हैं। तो सबसे पहले एक इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल भी लगे हाथ देख लो कि अगर आपका इंटीग्रल फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस पे लगा हुआ है,
एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, इसका मतलब है इंटीग्रल को आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, जितने भी n नंबर में भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन को। तो जल्दी से बता दो बच्चों, इसका मतलब ये इंटीग्रल इस पे भी है, ये इंटीग्रल इस पे भी है, ठीक है। तो ये नंबर वन आपके लिए रूल है, ये आएगा आगे भी। नंबर टू रूल क्या कहता है, अरे बता दो कान में, एग्जैक्टली कॉन्स्टेंट की कोई औकात ना है, मतलब यार आपने ये किया तो जैसे डेरिवेटिव में से बाहर फेंकते थे, इसमें से बाहर फेंक दो। एंड इंटीग्रल तो आपको सिर्फ फंक्शन का ही करना है, गॉट इट। अच्छा बच्चे ऑलरेडी ए सी कुछ कुछ आंसर दे रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे तो पाप चढ़ेगा, जल्दी से कर दो अगर मजा आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। और चैट करने के लिए अगर आप चाहते हो लाइव चैट आपकी एक्टिव हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। यहाँ पे एक और चीज, अगर खाली कॉन्स्टेंट हो तो क्या होगा, ये मजेदार है, जरा ध्यान से बताओ मुझे। अगर मुझे इंटीग्रेट के एक्स करना हो जहां के इज अ कॉन्स्टेंट, तो मैं देखूं तो मैं देखूं जी यहां क्या होगा। ऐसा है दोस्त, कॉन्स्टेंट तो चलो बाहर चला जाएगा, लेकिन 1dx, याद रखो 1 किसका डेरिवेटिव है, kx मेरी जान, इसको मत करना गड़बड़, एग्जैक्टली ये गड़बड़ मत करना, ठीक बात। चलिए इसी बात पे ये बात कर ले हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने यार 4 को तो भारी निकाल दिया, इट इज इंटीग्रल x क्यूब dx प्लस इंटीग्रल cos x dx, सिर्फ फॉर्मूला डालना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स रेस टू पावर 4/4 cos x, यार शरीफ है, sin x प्लस c। अच्छा तो x रेस टू पावर 4 प्लस sin x प्लस c, ए इज द आंसर। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा कि नेहा मैम इसको इंटीग्रेट किया तो एक कांस्टेंट आना चाहिए, इसको किया तो एक और कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन अपने तो अपने होते हैं, वैसे कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होते हैं। आपने टेक्निकली क्या किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपने जब 4x क्यूब को इंटीग्रेट किया या cos x dx को इंटीग्रेट किया, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये डाउट हमारे दिल में रह जाते हैं और समझ नहीं आता किससे पूछे, लोग हंसेंगे, सच्ची बताओ ऐसा होता है ना। तो आपने ये किया तो आइडली आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा, जब आपने ये किया तो आइडली आपको दूसरा कांस्टेंट मिल जाना चाहिए था, तो नेहा मैडम आपने एक साथ कैसे लिख दिए। तो क्या होता है ना जी, कांस्टेंट तो फिर कांस्टेंट होते हैं, आप एक ही बार लिख दो सी, जिसका मतलब है कि यार मैंने कांस्टेंट्स को ऐड कर लिया, तो अब आपको इतना कुछ नहीं दिखाना होता, समझ गए हो, एग्जैक्टली। सो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट या कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट या कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, बेटा सब तेरा कांस्टेंट ही है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यही सारे बेटा है जो मैंने आपको पहले ही करा दिए, क्योंकि हम लोग तो प्रोएक्टिव है। अच्छा ये नहीं कराया था तो ये पहले हम कराएंगे। मैंने आपको बोला सोच समझ के बताना 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव मांग रही हूँ, अभी बहुत मजा आएगा बीड़ू, इतनी कंफ्यूजन तुम लोग को होएगी ना, लेकिन नेहा मैम है ना उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, डेरिवेटिव बताओ इसका क्या होता है। आप बोलोगे नेहा मैम 2x log 2, ऐसे करते थे ना वैसे ही। अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल आप ये समझ लो जो ऐसे होता था वो वैसे होगा। अगर बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हो ना तो ऐसा बना देना एक बार चैट सेक्शन में, एक बार कमेंट सेक्शन में। इस बार ना अगर आपने log 2 को मल्टीप्लाई किया था ना, इस बार log 2 को डिवाइड कर देना, और अगर आपके दिमाग में ज़रा सी भी डाउट आए ना तो भैया डाउट मत रखना, क्यों, क्योंकि आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो, 1 log 2 तो कांस्टेंट ही है, इसको डिफरेंशिएट करके देख लो कि क्या दे देगा, ये देख देगा 2x log 2, कट जाएंगे सिर्फ मिल जाएगा, समझ आया। तो ये है रीजन, ये है टेक्निक याद रखने की कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है बेटा जी, वेरी गुड मुन्ना, वेरी गुड, ठीक है, चलिए नाइस। तो a रेस टू पार x dx का इंटीग्रल है a रेस टू पार x अपॉन log a, log a है तो समझ लेना कि यार e के साथ ही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब कर लिया हमने, सब कर लिया। अच्छा ये नहीं किया था ना,
हमने क्या नहीं किया था, इंटीग्रल sec x dx, इंटीग्रल sec x tan x dx क्या होगा, sec x plus c, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी होता है. सिमिलरली cosec x cot x का इंटीग्रल माइनस cosec x होता है, माइनस क्यों, एडजस्ट करने के लिए. चमक गया, चमक गया रे बेटा, चमक गया आंसर तुझको, चमक गया, है ना, वेरी गुड. ये पूरी लिस्ट है आपके सामने. अब ऐसा है बेटा, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं किया ना, इफ यू डू नॉट रिमेंबर दीज फॉर्मूले, तो मैं बता रही हूँ जेई का भूत आएगा और खा जाएगा तुम लोग को. इसको सारे के सारे फॉर्मूले याद रख के लिख के और मेरे को डन लिख देना, अदरवाइज पिटाई पक्की है. ठीक है, चलिए यहाँ तक पहुँच गए हैं. इनफैक्ट मैंने आपको ये भी दोनों रूल्स पहले ही पढ़ा दिए हैं. यहाँ पे सोच लो, तो यहाँ पे ना यार मैं फिर से लॉजिक लगा के दिखाती हूँ आपको. मैंने आपको बोला प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ मुझे भगवान के लिए डेरिवेटिव बताओ कॉस टू एक्स का. सारे के सारे बच्चे लिख दे, सारे के सारे बच्चे लिख दे एक बार, डेरिवेटिव ऑफ कॉस टू एक्स क्या होता है, लेट मी सी. लेट मी सी, एग्जैक्टली आप बोलोगे माइनस साइन टू एक्स, है ना, इंटू टू, इंटू टू ऐसे ही करते थे ना, मल्टीप्लाई करते थे. अच्छा, अब मैं आपसे कॉस टू एक्स पूछ रही हूँ, तो आप क्या है ना, देखो पहले तो साइन टू एक्स हो जाएगा, ये आपको पता है, इस बार पॉजिटिव रहेगा वो, लेकिन ये जो टू एक्स है इसका पिछली बार आपने मल्टीप्लाई किया था टू से, अब की बारी डिवाइड कर दो. कहीं डाउट आए तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लेना, यही मिल जाएगा. अगर ये चीज समझ आ गई है तो मुझे ना चार सेक्शन में ना हार्ट उड़ते हुए दिख जाने चाहिए, सो दैट यू गाइस कैन टेल मी हंजी नेहा मैम चमक गया. ऐसे मतलब बहुत सारे हार्ट्स आ जाने चाहिए. ठीक है, यस. तो यही इन्होंने जनरलाइज कर दिया कि बॉस अगर इंटीग्रेशन के केस में ना आप जैसे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे ए से, इस बार आप 1/a यानी ए से डिवाइड करोगे, तो बेटा यहाँ उल्टा लॉजिक तेरा चेन रूल जैसा ही चल गया. लाल पीले क्या बात है, रंगीले रंगीले, वेरी गुड. आ जाओ, चलो इसका आंसर ना सारे के सारे बच्चे ना टाइप कर दें. मुझे ना ये नहीं सुनना, मैम इतना कैसे टाइपिंग करेंगे, हैं व्हाट्सएप बहुत बड़े बड़े होते हैं मुझे पता है. चलो, तो आपको पता है यार हर एक को इंटीग्रेट करना है. अब मैं हर बार स्टेप्स नहीं लिखूंगी. 5 को बाहर फेंक दो एक्स क्यूब बाय 3, 8 को बाहर फेंक दो एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड 5 में ना बेटा जीरो कोई नहीं लिखेगा, मैं बता रही हूँ. फ्लाइंग चप्पल आने वाली है फिर, या फिर कैमरा से एक हाथ निकलेगा और डिजिटल पिटाई हो जाएगी. तो 5 को 5 रखेंगे एंड 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x प्लस सी. एक ही बार c को लिखेंगे ताकि दोस्तों समझ तो तुम गए होगे, है ना, सारे कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर दिया. चलो आई थिंक ये चीज चमचम हो गई है. पता चले बच्चे बोल रहे हैं मैम कैसी बातें कर देते हो, मम्मी पापा पास बैठे होते हैं, पोल खुल जाती है. चलो एक और करो, एक और करो फिर इसी बात पे. चलिए बच्चा जी, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तो आप 8 log x कर लोगे. यहाँ पे याद रखना कैसे करना है, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का मतलब क्या हुआ, x रेज टू पावर माइनस टू डी एक्स. तो इसमें क्या टेंशन है, सिर्फ x इक्वल टू माइनस 1 पे वो काम नहीं करता, तो उसकी जगह log लगा दिया, बाकी x रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1. ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो जो मैं लिखने जा रही हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, ये रीजन हमने समझा दिया है. सेम वे सेम लॉजिक यहाँ भी चमकेगा, तो मैं आप में से अग्री कर रहे हो तो एक बार डायरेक्टली लिख देना क्या होगा, एक्स रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1. ठीक है, तो माइनस 2 एक बार बता दो, ये सबको समझ में आ गया कैसे आया, क्या है 6 को तो आपने भारी छोड़ दिया, एक्स रेज टू पावर माइनस 3 डी एक्स. ठीक है, हैशटैग ले लेते हैं ऐसे, आपका आना दिल धड़काना. अरे मैंने
मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर लिखना था ना, सॉरी मैंने क्यूब कैसे लिख दिया, हाँ समझे। और मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा नंबर कट जाएंगे तेरे, तो तुम मुझे कैसे समझाओगे कि टू किस लिए ऊपर रख दिया भाई मैंने, किस खुशी में, इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई, ऐसे लिख देती हूँ। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके, जैसे काफी बच्चे मेरे लिख ही रहे हैं, ठीक है जी, हाँ माइनस टू गलती से ऊपर भेज दिया था मैंने, पर तुम लोगों ने फिर से क्या बोला, तेरे वास्ते फलक से मैं टू लाऊंगा, ठीक है, तो टू तुम तोड़ के नीचे ले आए। चलिए नाइस, ओके अब भी मजा आएगा ना, मैं देखूँ जरा, चलो जल्दी जल्दी लाइक करो, 300 300 300। अब ऐसे ही है, अगर बचपन सरोजनी नगर में बीता हो तो फिर क्या ही होगा, क्या ही होगा फिर, समझ रहे हो ना। चलो आ जाओ, 4 को बाहर निकाल लोगे, इसको ध्यान से देखो, e^ माइनस 7x तो वैसे ही लिख लो, अगर ये डेरिवेटिव होता तो माइनस 7 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे माइनस 7 से डिवाइड कर दिया, राइट। सो माइनस 4/7, आप चाहो तो इसको नीचे भी लिख सकते हो, राइट। चलिए नाइस, सो दिस इज डन एंड डस्टेड, दिस इज डन एंड डस्टेड बच्चों, आगे बढ़ते हैं, एकदम छोटे छोटे सवाल एंड धीरे धीरे करके आपका लेवल अप हो जाएगा, बट ये आपको 70-75 मिनट इस सेशन में इन्वेस्ट करने होंगे, उसके बाद रिवाइज करना होगा और DPB सॉल्व करना होगा, तब होगी ना बेटा बेसिक तुम्हारे सॉलिड, ठीक है, ऐसा ऐसा मसल बना दिया मैंने, तो समझ लो तुम ये मसल है। चलो तो 12 को आपने बाहर निकाला, cos 4 theta, राइट, विच इज गोइंग टू गिव मी sin 4 theta, लेकिन डिवाइड बाय 4, ठीक है जी, यस ऑर नो, चमक गया रे बेटा, चमक गया। अब ये बताओ, ये हुआ ना चैलेंज, ये मैं देखूं कितने बच्चे इसका जवाब देते हो, इसको जवाब दे दिया ना तो बस फिर जो भी। चलिए लेट्स सी कितने बच्चे इसे उड़ाते हैं, एग्जैक्टली आप ना इसको पहले ओपन कर दो, secant स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस secant एक्स tan एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका tan एक्स है, इसका क्या है secant एक्स है, इसका क्या है प्लस c है, एंड smile, सही है, इजी हो गया ना, सुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करके दिखाओ पहले, ये चलो ये बताओ, लेट्स सी, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है, सी आई नो आई हैव अ फन वे ऑफ टीचिंग, सो दैट मतलब मुझे होता है यार बोरिंग नहीं हो जाए, इन चीज़ों को समझ भी आए, बट आई एम वेरी सीरियस अबाउट व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पक्का होगा ना, तो आगे आगे जब जेई के सेशंस देखोगे लगाओगे तो चीजें आसान होने लगेंगी, ठीक है। चलिए ओके, तो यहां पे क्या है, आप फॉर श्योर इसको पहले अलग अलग कर लो, अब आप इसको एक के अंदर भी तो कर सकते हो, 2/5 होल रेस टू पावर एक्स डी एक्स माइनस 3/5 होल रेस टू पावर एक्स डी एक्स, अब क्या करें, अरे मुन्ना ये क्या है, तो यार ए तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है नॉन जीरो वाला, तो 2/5 3/5 को ए की तरह ट्रीटमेंट दो,
मेरे दिल की है जो दास्तां, डन, समझ में आ गया? नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन समझ में आ गया कि नहीं ये बता दो मुझे, ठीक है जी? सुपर्ब। एंड तुम्हारे उड़ते हुए हार्ट्स एंड स्माइलीज से मुझे पता चल गया है कि यार तुम्हें मज़ा आ गया है, ग्रेट। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल ऑफ टैन स्क्वायर एक्स, तो वन एट अ टाइम, कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, सब एक एक करके सवाल करेंगे। ये बता दो इसका आंसर क्या होगा। आप बोलोगे नेहा मैम हमें नहीं पता। अच्छा यहाँ पे प्लीज गलती अलर्ट है ना, हम क्या होते हैं ना बड़े मोमेंटम में होते हैं, फिजिक्स वाले नहीं मैथ्स वाले ही मोमेंटम में, क्या कि यार हमें लगता है अरे वहाँ पे टैन स्क्वायर एक्स होता था तो हम टू टैन एक्स करके और फिर सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख लेते थे। बॉस यहाँ पे ना गलती से भी ये करने की कोशिश मत करना कि अच्छा एक्स रेस्ट बार एन वाला फॉर्मूला ये गलती है इसलिए लाल से लिख रही हूँ, ये बिल्कुल सरासर गंदा बात है। गंदी बात, गंदी 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 बात। क्यों? वो यार जो आपका एक्स रेस टू पावर एन वाला फॉर्मूला है इट इज सोली एप्लीकेबल टू एनी एलजेब्रिक फंक्शन, यानी इन पर्टिकुलर लीनियर फंक्शन, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नो एंट्री। तो फिर ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि नेहा मैम फिर मैं सॉल्व करूं कैसे? तो आप बोलते हो कि यार मैंने देखो क्लास टेंथ तो पास करी है, करिए कि नहीं दिल पे हाथ रख के बताओ। तो करी है तो मुझे ये तो पता है कि मैं इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकती हूँ, बात तो सही है। नाउ दैट मींस मैंने ऐसा किया ही क्यों, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स का अपने को फॉर्मूला पता है बाबू। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या इंटीग्रल है, डायरेक्ट फॉर्मूला टैन एक्स, और वन का क्या है माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है जी, डन है? हाँ अरे नेहा मैम टेंथ तो करी है, उसी के बाद तो जेम्स बॉन्ड समझ के इलेवेंथ में साइंस ले लिया, और उसके बाद टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ मैं। चलो ये हो गया। नाउ लाइकवाइज इफ आई टॉक ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, तो अब तो मेरे बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि यार कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है ना, तो सेम चीज़ ना, माइनस कॉट एक्स दिस विल बी माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है? आओ ये मेरी ये बड़ी बचपन में आदत थी, जब मैं रफ में प्रैक्टिस करती थी ना सही निकल जाता तो खुद ही टिक मार देती थी, मतलब खुद ही स्टूडेंट और खुद ही टीचर। आप भी ऐसा करते हो? मैं मुझे तो बहुत आदत थी। चलिए दिस इज डन, ओके आ जाओ ये करके दिखाओ। अब मैं देखूँ ज़रा इससे कितने बच्चे करते हैं, मतलब एक्चुअली अब तो ये तुम्हारी इज्जत पे बात आ गई बेटा, ये करके दिखाओ ज़रा। लेट्स सी, तो यहाँ पे क्या है ना, पहले सेपरेट कर दो 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 5। अब देखो जरा साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो तुम भी थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कॉस एक्स को तोड़ के, तो ये वाला साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या बन जाएगा टैन एक्स, और ये वाला 1 बाय कॉस एक्स क्या बन जाएगा सीकेंट एक्स। ओहो वाह वाह नेहा मैम वाह, तो ये तो यार एकदम किडनी टचिंग परफॉर्मेंस हो गई नेहा मैम, है ना? क्या ही हो गया, 4 टैन एक्स माइनस 5 सीकेंट एक्स प्लस सी, यस और नो? हो गया सुपर्ब, ओके सॉरी ये वाला करके दिखाओ। टैन एक्स सेक एक्स, मैंने क्या लिख दिया, नहीं सही लिखा है 4 tan x माइनस 5 sec x प्लस सी, ये वाला करके दिखाओ। ये तो खुला चैलेंज है, ये तो खुला चैलेंज है, मैं भी देखूं ज़रा इसको कितने बच्चे कर पाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं ना मुझे नहीं लगता आप ये कर पाओगे, वो बच्चा फिर बहुत जोश में आ गया तो मैं करूँगा, चलो करो इसे। चलिए
चलिए यहाँ पे क्या है ना, हम थोड़े से अटके, थोड़े से भटके से लग रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना कैसे करेंगे इसे। अगर आप इसे 1/sin²x भी एट बेस्ट सोच लोगे, ये कोसेकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये आप एट बेस्ट सोच लोगे तो यार ये ऊपर जाके आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लेकिन उसके बाद करोगे क्या? अलग लोग होते तो इंटीग्रेट कर सकते थे, ये तो चिपके हुए हैं। तुम में से कुछ बच्चे चवन चलाक हैं, तुमने क्या किया होगा, इनको डिफरेंशिएट करके कुछ ना कुछ कर दिया होगा, ये पकड़ लिया होगा कि कब आएगा। मुझे बताओ लॉजिक, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, ऊपर कुछ है ही नहीं, लेकिन ऊपर वो है जो सब जगह है। तो वन को यार मैं ऐसे लिख सकती हूं ना, ओ माय गॉड, ये जो स्टेप है ना बेटा, इसमें तो मेरा दिल इतना खुश हो गया ना कि मुझे नहीं पता, मुझसे पूछना भी मत कि मैंने यहाँ बलून बना दिए खुशी के मारे, ऐसा रैप्चिक स्टेप है ना, है ना। बस ये तुमने कर डाला, अब तो अलग ही करना है। साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर, यहाँ पे 1/cos²x जो कि sec² x बन जाएगा, यहाँ से ये दोनों कटेंगे, 1/sin²x को sec² x हो जाएगा। तो व्हाट विल यू डू, tan x माइनस cot x, चमक गया, यस और नो? ठीक है जी, वेरी गुड, राइट। चलिए ये देखना, ये टाइपिंग वाले भैया ने यू सिंग कर दिया है, यू सिंग, बेटा गाना गाएंगे अब, यूज नहीं करेंगे, डोंट यूजिंग, यू सिंग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट क्रैकिंग ऑन दिस क्वेश्चन। और देखो यार वीडियो ख़त्म हो जाएगी, सब सारे बच्चों ने लिखना है 100 मिनट्स बेसिक्स, जिसे कह रहे हो ना 100 मिनट्स बेसिक्स इंटीग्रेशन डन, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में, सबको जा टाइम मिलेगा, जगह मिलेगी, सब अपना अपना कमेंट करके जाना, और साथ प्यार मोहब्बत वाले दिल शिल बना देना, कुछ कहना चाहते हो कह देना। चलिए ओके, नाउ व्हाट डू आई डू विद दिस, ऐसे तो बहुत खूंखार है, लेकिन आई एम श्योर आपको चमक गया होगा कि आप न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ तो इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये मेरे हैंड रिटन वाले नोट्स चाहिए ना, ये जो हम कर रहे हैं सेशन में, लाइक कर देना, 1000 लाइक के बाद इसी वीडियो की PDF, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको पता है यार, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके ये कर सकते हो। Alrighty, x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, आहा ये तो कट गया, ओले सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स प्लस सी, किल्डेड स्लॉटर हो गया है आपका सवाल। ठीक है जी, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 1/(1+sin x), चैलेंज है, इसको देखिए जरा क्या करोगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, अगर तुम कुछ सोच सकते हो तो इसमें थोड़ी सी सोचिंग करनी पड़ेगी, सोचिंग 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 सोचिंग, ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, थोड़ा सा सोचिंग करो क्या होगा, या तुम फंस गए हो, अगर तुम वही सोच रहे हो जो पिछली बार सोचा था कि यार 1/(1)sin²x प्लस cos²x लिख लोगे, ना फंस जाओगे, तो फिर क्या करूं मैं क्या करूं, कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है? मेरे तो दिमाग में एक बहुत सॉलिड चीज़ आ रही है, नाम सुना है रैशनलाइजेशन का, एक बार बता दो राश। देखो इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन दिल आपका गार्डन गार्डन होगा अगर आपने इसको रैशनलाइज कर दिया ऊपर नीचे। इतने स्टेप्स में इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि ये बेसिक्स वाली क्लास है, वरना अब तक तो लिख दिया होता जो लिखना था। तो आपने क्या किया, ये बना दिया 1-sin²x, जो क्या हो गया cos²x। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, इतने सारे स्टेप्स दिखा रही हूँ इसलिए लग रहा होगा। अब जरा अलग करना, अलग करना 1/cos²x secant स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स टैन एक्स सेक एक्स, मैं
बचपन में यार, बचपन मतलब जब मैं क्लास पता नहीं शायद 9th-10th में थी, तब कहाँ गई थी, मैं गई थी कैंप। वहाँ पर यार हमसे पूछते थे भाई कैसा लागो, तो हमें बोलना होता था कि मज़ा आया तो चोखा लागो, मतलब बढ़िया लगा है ना, तो कैसा लागो ये स्टेप, कैसा लागो ये स्टेप, है ना। बस जी आपने रैशनलाइज जो किया है ना, तो बस मज़ा ही आ गया। That's it guys, you're done and dusted. अब तो बाएं हाथ का खेल है ना। This is tan x minus sec x plus c. Yes or no? Superb. चलिए अब मैं अगला मेथड पे आ रही हूँ, अगले मेथड पे आ रही हूँ, जिसको मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन तो नॉर्मल लोग कहते हैं ना आम जिंदगी। नेहा मैम की आर्मी क्या मेथड क्या कहती है इसको, ढूंढो मेथड, जस्ट फाइंड इट, ढूंढो मेथड। क्या ढूंढना है आप, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके शुरू हो जाइए फंक्शन और उसी के डेरिवेटिव को ढूंढने के लिए। तो इंटीग्रेंड आपको ऐसा मिलेगा कि आपको ये स्टेप्स भी लिखे हुए हैं लेकिन मैं आपको वैसे ही समझा दूंगी, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को ढूंढना है सेम उसमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो आप क्या ढूंढ सकते हो कि फंक्शन किसको बोलूं इनमें से और उसके डेरिवेटिव क्या बोलूं। लेट मी सी इन द चिट चैट सेक्शन, लेट मी सी इन द चिट चैट सेक्शन। तो आप बोलोगे नेहा मैम ऐसा है, देखिए फंक्शन तो अपना ई ही है ना, एंड इसका डेरिवेटिव एक ठोक ई है, ठीक है। चलो जोक सपाट ये चीज समझ गए, फंक्शन एंड इसका डेरिवेटिव ऐसे है, ठीक है जी, बढ़िया। तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि फंक्शन जो भी है उसको कुछ टी ले लो, लेट। सब्स्टिट्यूट तो मुन्ना यही है ना कि आप किसी चीज को लेट कर रहे हो या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ओके। अब आपको मैं बोलती दोनों तरफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या करते, सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स क्यों, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे वैसे डी वाई बाई डी एक्स लिखा। तो यहाँ से ना सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाता है। इसको समझ लो भैया, तुम्हारा जेई का पेपर हो या कोई और काता थैया, सबसे ज़्यादा सवाल आपके इनडेफिनेट में सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही आते हैं, ठीक है। तो अब आपने सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स को रिप्लेस कर देना है किससे, डी टी से, एंड इसको किससे, टी से। आप पहचान सकते हो, मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि कभी भी यार प्यार में मत पढ़ो, नहीं मतलब ऐसे पढ़ना है पढ़ो, प्यार में मत पढ़ो किसके सिंबल्स के, डोंट फॉल इन लव विद कि यार डी एक्स बाय एक्स होगा तो ही लॉग एक्स होगा, नहीं यार डी टी बाय टी है तो भी तो लॉग टी है ना। आप गलती क्या नहीं करनी कि भैया टी को भूल मत जाना, टी का असली नाम टैन एक्स है। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, जैसे जैसे तुम्हारे कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे तुम इसको देख के डायरेक्ट ये लिख पाओगे, अभी बता दूंगी कैसे, लेकिन ये चीज समझ में आई, हल्की हल्की समझ में आई होगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक एग्जाम्पल से ओ हो जी तुम स्टार बन गए, बट हल्का हल्का समझ आया, हल्का हल्का, एक बार लिख दो हल्का हल्का, यस ओके। तो क्या है ना, अभी आपको फंक्शन बहुत तरीकों से मिल सकता है, जैसे कि हो सकता था ना कि इसकी जगह में आपको फंक्शन ऐसे रूप में दे देती, टैन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू दे देती बेटा इंटू, तो इसमें भी फंक्शन तो आपका यही रहता लेकिन डी टी इंटू डी टी हो जाता, डी टी अपॉन टी की जगह ये हो जाता, तो आप इसको टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी लिखते, तो टैन एक्स टैन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस सी लिखते। आंसर देख रहे हो कैसे बदल गया है ना, आंसर देख रहे हो ना कैसे बदल गया। तो अगर आपका ऐसा फॉर्मेट हो जिसमें आपका डेरिवेटिव यहाँ पे इस तरह से हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं छुप के बैठा हो, जैसे जैसे हम आगे आएंगे आपको पता चलेगा, जैसे कि थोड़ा आगे तो आ ही गए हैं, बताओ मुझे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सोच सकते हो क्या होगा इसमें। या इससे पहले ना मैं थोड़ा सा छुटांग पुटांग देती हूँ तुम्हें, अम नम 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 अम नम नम नम,
इन पंछियों को देख के। चल बता, चल बच्चा बता क्या होगा इसका आंसर। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ढूंढो, ये खेल ही ढूंढने का है मुन्ना। एग्जैक्टली इसमें क्या है ना, आप सोचो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अरे पूरे एक्स स्क्वायर प्लस वन को ही टी ले लो ना, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव टू ही, टू एक्स ही है, वन का तो डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, छुपा के देखना है आपको, छुपा के देना है, तो मैं इसको ये भी कर सकती थी, मैं अगर कहूं तुम साहसी, इसमें भी आपने फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को पकड़ना है, तो आपका यार देखो फंक्शन तो वही है और डेरिवेटिव भी वही है, पर ये हो सकता है डायरेक्ट फॉर्म में ना हो, कहीं हिडन हो किसी और फंक्शन की आड़ में। तो e raised to power t plus c and what is it going to be, e raised to power x square plus 1 plus c, समझे टंग 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 टंग। चलिए लाइक करेंगे 400 400 400, जल्दी करो भैया, RIP उनके कानों के लिए अगर आपने हेडफोन पहना हो, माफी। ओके नाउ बेस्ड ऑन दिस इसको देखो और मुझे बताओ। बेटा इस क्वेश्चन को देख के हम बोलेंगे इससे कहते हैं जुड़वा, कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सेम ही है दोनों, करेक्ट। तो आपने क्या करना है, आपका जो ये हाईलाइट करियो मैं e raised to power x dx, ये आपका बेसिकली डेरिवेटिव है एंड दूसरे वाला क्या है फंक्शन को लोगे, तो आप लिखोगे sin t dt which will be cos t plus c which will be minus cos of e raised to power x plus c, yes or no? Okay, chalo chalo, इससे देखो, अरे भाइयों बहनों, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू किल दिस वन। यहाँ पे भी आपको पता है वही काम होना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन टी है, ठीक है, टू एक्स डी एक्स डी टी है, तो ये क्या है, इंटीग्रल को नॉर्मली आप कैपिटल आई से डिनोट कर लेते हो, तो साइन टी डी टी, ठीक है, तो साइन ऑफ सॉरी साइन नहीं कॉस, माइनस कॉस ना, आई थिंक ये बच्चों ने कर ही देना है। राइट है, ये चीज हो गई है क्लियर, एक बार लिख दो के डी एस हो गया, यानी कि किल्ड डेड स्लॉटर्ड। चलो जल्दी से बता दो, नाइस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओके नाउ लुक एट दिस वन, देखो प्यार से, कैन यू ढूंढो द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव राइट देयर, तो क्या बोलोगे, आपको पता है ना log x को t लोगे तो 1 by x dx dt होगा, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा t dt, हाँ तो t square by 2 plus c यानी कि half of log x whole square plus c, मजे आ रहे हैं कि नहीं, मजे आ रहे हैं कि नहीं, यस सर, यस सर, मतलब यस,
ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन नाउ. देखते हैं इसको कितने बच्चे उड़ा पाते हैं. ये फ्लाइंग हार्ट्स मुझे बहुत क्यूट लगते हैं. थैंक यू. यहाँ पे क्या आप सोच पा रहे हो? मतलब यहाँ पे मुझे पता है log x है ना, log x को t लिख लूँ, लेकिन 1/x किधर है? सो जस्ट थिंक ऑफ इट. आई कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ वन थिंग दैट आई कैन टेक x कॉमन, राइट? सो इफ आई पुट 1 + log x = t, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जी 1 का तो 0 है इसका. तो ये dx/x जो है आपका dt है. एक चीज याद रखना यार, dx हमेशा हमेशा आपके न्यूमरेटर के साथ ही रहता है, ठीक है? चलिए बताइए फिर. कम ऑन गाइस, log mod t plus c, log mod 1 + log x + c. तो यहाँ पे काफी बड़ा ब्लंडर ये होता है कि बच्चे ना कई बार जल्दबाजी में t को रिप्लेस करना ही भूल जाते हैं, और स्कूल का पेपर दिख रहा है तो फिर नंबर कट जाते हैं, ठीक है? हाँ जी, दो दो बार लॉग आ गया, वेरी गुड. ठीक है, आई थिंक दिस इज सॉर्टेड. ओ ला ला, ये वाला देखो. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन. क्या क्रूम है, मैं तो फंस गई. देखो एक चीज तो है, 3a तो यूजलेस ही है, इट्स जस्ट अ कॉन्स्टेंट. देखो मुझे ये पता है दैट ऑल आई कैन थिंक ऑफ इज ये x square को t लू तो 2x dx मिलता है, ऊपर 2 है नहीं. पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकती 2 से, बराबर कर सकते हैं ना. तो मैं क्या करती हूँ, ये भी कॉन्स्टेंट है तो क्यों ना इस पूरे को ही उठा के t ले लो. तो इस क्वेश्चन को ना जरा चमका लो अपने दिमाग में, ठीक है? तो अगर मैंने इसको t लिया तो बी स्क्वायर तो b हो गया, सी स्क्वायर इंटू 2x dx is dt. यार अपने पास तो सिर्फ x dx है, तो x dx को रखो साइड में, बाकी सबको ले जाओ उधर, वो तो कांस्टेंट ही है, ऐसे लिख दो. भैया डॉक्टर बाबू ने मना थोड़ी ना किया कि आप कांस्टेंट को उधर नहीं ले जा सकते. ये सुनो सुपर. सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट इज, बच्चों 3a तो एज इट इज है, अपॉन 2c square, एंड दिस इज गोना बी dt/t. वूहू, डन. डन. अच्छा ऐसे जरूरी नहीं है आप सी लिखने, आप के लिख दो, पी लिख दो, क्यू लिख दो, एन लिख दो, ए लिख दो, जो मर्जी लिख दो, इट्स जस्ट सिंबलाइजिंग अ कांस्टेंट. तो 3a/2c हैं बेटा, 2c square किधर गया? हाँ 3/2c ल गॉट इट अन्ना, जल्दी बताओ. स्पेशल केसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब क्या है स्पेशल क्या है, देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो. मैं इसका डायरेक्ट आपको शॉर्टकट दे रही हूँ, अगर आप याद करना चाहते हो तो, ज़रूरी नहीं है, बट अगर याद करना चाहो कि नेहा मैम ये शॉर्टकट सिखा दो, अगर आपके ये सिचुएशन आ जाए f^n(x) and f′(x) हो, तो इसका आंसर, ये डेरिवेशन दे रखा है कुछ नहीं, f(x) को t लिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इसका सीधा आंसर क्या है, f(n+1)(x)/(n+1)c. एग्जाम्पल देखेंगे, तनिक देखिए तो सही. ओके, यहां देखो 5 बाहर है, ध्यान से देखो मैंने क्या कहा कि फंक्शन n, और अगर उसका डेरिवेटिव वही दिखे तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो, ठीक है? नॉर्मल कर लो पहले. नॉर्मल इसके अंदर कैसे करोगे बताओ जरा. आप बोलोगे ऐसा है नेहा, हम साइन एक्स को टी ले लेते हैं, तो कॉस एक्स डी एक्स ना डी टी हो जाएगा, ठीक है?
तो ये क्या हो जाएगा यार, टी रेस टू पावर 4 इंटू डी टी, तो ये आपको दे देगा 5 इंटू टी रेस टू पावर 5 बाय 5 प्लस सी. सो आई विल गेट द आंसर साइन रेस टू पावर 5 एक्स प्लस सी. कूल है, ये है आम जिंदगी. लेकिन मेंटोस जिंदगी क्या है मेरी जान? मेंटोस जिंदगी कहती है कि इसका आंसर आ जाएगा f रेस टू पावर n प्लस 1, तो 4 है यहाँ पे, अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस c. अब 5 यहाँ पे ऑलरेडी है, इसलिए 5 कट जाएगा एंड योर आंसर इज स्टिल दिस. तो इससे कहते हैं शॉर्टकट, लेकिन आपको पता है कि आया कैसे. इसका आंसर इज एक्चुअली आपने डिराइव एक तरीके से किया है, लेकिन ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी. मेंटोस तो कॉमन हो गया, नेहा माम की आर्मी की जिंदगी. तो कौन सा लगा आपको बढ़िया? तो दोस्तों, कौन सा मेथड काबिले तारीफ है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए. ऑलराइट, लेट्स गो आगे. अनदर स्पेशल केस, यहाँ पे आई थिंक आपको फील आ गई होगी. इफ़ यू सी द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव राइट ऑन द टॉप, यू गो टू गेट log. ठीक है ना, यू विल गेट log एज द आंसर. अब इसे याद कर लो या डिराइव कर लो, इज टोटली योर कॉल. It's totally cool with me, है ना? For example, you see the function. Oops, sorry. हाँ, function नीचे, derivative ऊपर है, ठीक है? So you see the function and its derivative. So the answer is going to be log of the function plus c. See the shortcut माने का. बराबर. Yes. Now, how is this helpful? देखो भैया, एक बात मैं ना साफ स्पष्ट रूप में कह दूं आपको, अगर आपके स्कूल एग्जाम में करना है आपने ये क्वेश्चन, तो आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर स्टेप्स की भूखी होती हैं, इंक्लूडिंग मी. बेटा वो भी क्या करेंगी ना, अगर 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल आ गया तो स्टेप्स में नंबर देंगी ना. करेक्ट. अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लिए यूज़ कर रहे हो, तो डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो. आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर. अदरवाइज ना बाद में बच्चे कॉमेंट करोगे, पूछो मैम नंबर कट जाएंगे ऐसे क्या, तो स्कूल में नंबर पूरे नहीं मिलेंगे. बिल्कुल सही कह रहे हो यार, स्कूल में नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जेई के लिए, तो डायरेक्टली यूज़ करोगे ना यार, समय बचाओगे. ओके, देखो ये तो पूरा मेथड करके दिखाया. अगर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है इसका, अनदर शॉर्टकट. पिटामोन टू, सुन, अगर फंक्शन ऊपर, मतलब नीचे फंक्शन है लेकिन रूट में है, तो इसका आंसर सीधा 2√fx + c आता है. नॉर्मल है, सेम चीज़ है, इसमें कुछ हाई फंडू नहीं है. यानी कि अगर आपको फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो आप ट्रिक से इसका आंसर झट एंड पट दोगे. यस और नो? अच्छा, मैंने एक स्पेशल मैराथन तुम लोग के लिए प्लान कर रही थी, बोले ये सेशन तो चलते जाएंगे. मुझे बताओ, एक कुछ दिमाग में मेरे मैथ्स के ऐसे बढ़िया टॉपिक्स हैं विच आर गोइंग टू हेल्प यू स्पेसिफिकली इन जेई. बताना, एक मैराथन चाहिए मज़ेदार वाली, है ना? चलिए, दिस इज सॉर्टेड. नॉर्मल मेथड आपको पता ही है. अगर आपने प्रॉपर मेथड दिखाना है, तो आप साइन एक्स को टी लोगे, कॉस एक्स डी एक्स डी टी होगा, ठीक है? तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन रूट टी. अभी रूट टी है क्या, देखो ना, टी रेस्ट पर माइनस हाफ डी टी. यू आर गोइंग टू पुट दैट एक्स रेस्ट पर एन वाला फॉर्मूला, ठीक है, टी रेस्ट पर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी. सो इट्स प्रीटी कूल, हाँ, यू आर गेटिंग दिस. ठीक है, ये फुल मेथड, ये है ट्रिक. ठीक है जी, बढ़िया. चलिए, अब कुछ और इंटीग्रल, इनके प्रूफ नहीं कराऊंगी, इसके डायरेक्ट आंसर दिखाऊंगी. मतलब इन द सेंस, एक्चुअली प्रूफ की जरूरत भी नहीं है. डेरिवेटिव टैन इनवर्स एक्स का ऐसा होता है, तो इंटीग्रल इसका क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस सी. डेरिवेटिव इसी प्रकार से
आपका cot inverse x होता, अगर यहाँ माइनस वन अपॉइंट वन प्लस एक्स स्क्वायर होता तो cot inverse x प्लस सी भी लिख सकते थे. इसका डेरिवेटिव ही होता है तो इंटीग्रल क्या होगा, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना. अच्छा उसी तरह से माइनस कॉस इनवर्स एक्स का पूछूं, डेरिवेटिव ही होता है तो अगर इंटीग्रल आप माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी ले सकते हो. इसको मतलब काफ़ी खुद ही आई थिंक दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. डेरिवेटिव और सीकेंड इनवर्स एक्स ही होता तो इसका इंटीग्रल मांगू तो सीकेंड इनवर्स एक्स होगा, इसके नेगेटिव का इंटीग्रल मांगू तो नेगेटिव भी हो जाएगा, करेक्ट है ना. हाँ वेरी गुड मुन्ना, वेरी गुड. ये करके दिखाओ पहले, ये इंटीग्रेट करो इसको. कैसे करूं मैं, कैसे करूं इसे इंटीग्रेट, लेट मी सी बच्चों. Come on. Exactly. ये छुपा हुआ है, देख रहे हो ना, देख रहा है विनोद. अब इसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, ट्रिक तो बहुत डायरेक्ट वाले उनके लिए है. ठीक है, वैसे हम इसका एक ट्रिक बना सकते हैं आप पे आपको भी चमक गया होगा अगर मैंने इसका शॉर्टकट या ट्रिक बनाना है. अगर ई रेस्ट पावर फंक्शन, सॉरी हाँ ठीक है, इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है, समझ ही गए होगे मतलब इसका डेरिवेटिव उस प्रकार से है, देन इन दैट केस ई रेस्ट पावर फंक्शन प्लस सी ही आएगा आंसर. सही है, एक और ट्रिक हो गई आपके नाम, तेरे नाम हमने किया है आंसर अपना सारा सनम. ठीक है चलिए थोड़ा सा इसको मैं बुलाती हूं टुकड़े टुकड़े, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ये आप एक तरीके से समझ लो प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, इट्स सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन. इसी से याद आया 500 500 500 लाइक, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. ठीक है हाँ, इंटीग्रेशन पाथ यानी टुकड़े टुकड़े मेथड, यानी कि अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है दोस्तों, दो अलग फंक्शंस दे रखे हैं है ना, दो फंक्शंस दे रखे हैं. नाउ अनलाइक योर डिफरेंशिएशन जहाँ पे लाइफ काफ़ी आसान थी कि आपने यार फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट किया, आई मीन फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड को एज इट इज़ लिख दिया प्लस सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट किया फर्स्ट को एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता अफसोस. सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन ही चुनना पड़ता है, दैट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट. सारे के सारे बच्चे एग्जैक्टली स्पैम कर सकते हैं इन द चैट सेक्शन की, इसके लिए यूज होता है आपका आईलेट. भाई तू क्यों आई लेट पहले बता, जब क्लास 9 बजे की थी तो लेट क्यों आई तू. एनीवे आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function and E finally stands for exponential function. तो normally हम इसी प्रकार से चलते हैं, by chance हम दो same functions में आ जाएं, दो same function से हमारी मुलाकात हो जाए, in that case also basically ये किस पे based है कि यार आपका पहला function ऐसा हो जो डिफरेंशिएट हो सके आराम से. देखो डिफरेंशिएट तो सब हो ही जाते हैं, मेन मुद्दा सेकंड फंक्शन का होता है ये इजीली इंटीग्रेट होने वाला हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इजीली इंटीग्रेट करने वाला हो. क्यों, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. पहला फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, यहाँ तक तो गेम सेम ही बचती है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, एंड इसका जो भी आंसर आएगा उस पूरे को आप इंटीग्रेट दोबारा से करोगे प्लस सी. सो आई नो देखने में थोड़ा सा बड़ू सा फॉर्मूला है बट होते होते प्यार हो गया, समझ रहे होते होते हो ही जाएगा ये भी. यस और नो,
अरे जिंदा हो, एक बार लिख दो जिंदा है। तो टुकड़े टुकड़े मतलब आप फंक्शन के दो टुकड़े करके एंड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देते हो। कूल है, यही सारा कुछ दोबारा लिख रखा है, लेकिन इफ़ यू लाइक नेहा मैम्स हैंड राइटिंग मोर, मतलब ज़्यादा समझ में आता है, तो इसको रेफर कर लेना। क्वेश्चन करते हैं फिर, छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं, मोटे मोटे तो आज करने हैं नहीं, बेसिक्स कर रहे हैं क्योंकि हम, ठीक है ना बच्चा। चलो फिर ये वाला करके दिखाते। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा ये बता दो मुझे, कान में नहीं चैट्स में बता दो। चलिए एग्जैक्टली, तो यहां पे अगर आई लेट का सोचो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक के बाद आता है, तो ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड है। एक और रीजन है, आप आई नो आप बोलोगे x को तो और आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन x को इंटीग्रेट करने से ना पावर बढ़ेगी, x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, फिर फंस जाओगे, है ना। अगली बार इंटीग्रेट करोगे x क्यूब आ जाएगा, तो ख़त्म तो ये हो ही नहीं रहा है। फील आई है ना। चलिए जी, तो फिर हम इस फील को लेके क्या करें। आपने इसको फर्स्ट मान लिया, तो आपने बोला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक है। एंड इसका जो भी आंसर आ जाएगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर देना। मैं इतना प्रोसेस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पहली बार है, ठीक है, पहला प्यार है। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स यार माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसका माइनस कॉस एक्स होता है। अब कॉस एक्स तो इंटीग्रेट सर भी कर देंगे, सर इंटीग्रेशन में माइनस नहीं होता, प्लस होता है। अच्छा, हाँ जी सर, सही है। अगर दिल गार्डन हो गया ये जान के, तो मेक योर फेवरेट स्माइली इन द चैट सेक्शन। चलिए एवरीवन, दिस इज सॉर्टेड बच्चों, आई थिंक इट इज, ठीक है जी, नाइस। सो माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, वेरी गुड। लॉग एक्स यार, लॉग एक्स में तो आप बोल रहे हो नहीं मैम मजाक कर रहे हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लॉग एक्स का क्वेश्चन क्यों दिया है, तो फंक्शन ही एक है। बात तो सही कह रहे हो यार, फंक्शन तो एक है, लेकिन वन तो यार सर्वज्ञ है, मतलब वन तो सारी जगह होता है। अब मुझे बताओ आई लेट के अकॉर्डिंगली पहला फंक्शन में क्या लूँ। एग्जैक्टली, लॉग पहले आ रहा है फिर अलजेब्रिक आ रहा है, तो लॉग को पहले लो, वन इज अलजेब्रिक, है ना। तो फिर वही कहानी है, लॉग एक्स यार एज इट इज रहा, वैसे भी यार एक्स को वन को इंटीग्रेट करना आसान है ना, लॉग एक्स की जगह लॉग एक्स को ही तो करना है, मतलब है ना, इंटू इंटीग्रल ऑफ वन माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। इसका तो ना जो आंसर आएगा उसे रट लेना और टैटू करवा लेना, काफी काम आता है आपका, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रल 1 dx, और इस पूरे को हम इंटीग्रेट फिर से कर रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं हम। तो ये तो आ जाएगा जी x, सो लॉग एक्स एंड एक्स इधर लिख देती हूँ मैं, माइनस ये आ गया 1/x, ये आ गया x, वो हो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। इस रिजल्ट को तो ना आप रिजल्ट की तरह याद कर लो, ठीक है, इसको ना आप याद ही कर लो। सही है, वेरी गुड। ओके, एक्स स्क्वायर कॉस 2x, एक ये भी सवाल लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस 2x यहाँ पे फिर से आई लेट के अकॉर्डिंगली ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अच्छा जी, तो अभी क्या हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर तो आपने क्या किया एज इट इज लिख दिया, इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x माइनस
डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस टू एक्स, एंड जो भी आएगा फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे. तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे साइन टू एक्स अपॉन टू, माइनस ये टू एक्स है इंटू साइन टू एक्स अपॉन टू. अच्छा एक चीज़ आ गई है हमें समझ कि क्वेश्चन तो देखो ख़त्म हुआ नहीं है, क्या करूँ मैं? ये तो सही है लेकिन इस बार ही मैं डायरेक्टली इसे नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास अभी भी एक एक्स बाकी है. तो यानी आई विल हैव टू अप्लाई माय बाईपास अगेन, राइट? तो कैसे लगाओगे? मैं इसको अलग से करके दिखा देती हूँ. स्टार भी नहीं बनाया, छीछी कर दिया. हाँ जी, तो इंटीग्रल साइन टू एक्स क्या आ गया? माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, माइनस ये वन है इंटीग्रल साइन टू एक्स हो गया, प्लस मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया ना. हाँ जी, तो फाइनली माइनस एक्स कॉस टू एक्स बाय टू, एंड यहाँ पे इंटीग्रल क्या आ जाएगा? साइन. सो साइन टू एक्स, एक ऑलरेडी टू, एक और आ जाएगा प्लस सी. तो अब आप इसको इसके अंदर ठूस देना. पूरा आंसर काफी लंबा आ रहा है लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया है ना. लंबा तो हो गया बेटा लेकिन आई होप समझ में आ गया, ठीक? चलिए, तो इस प्रकार से आप देख लेना. स्पेशल इंटीग्रल्स में मैं जा रही हूं, सम स्पेशल इंटीग्रल्स तनिक, एंड इसको याद करने की एज ऑलवेज मैं ट्रिक सिखाने वाली हूं. कितने बच्चों को पहले से ये ट्रिक पता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. देखो इसका मैं आपको बता दूं कि मैं इसके डेरिवेशन में क्यों नहीं जा रही, सब्स्टिट्यूशन से होता है, कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है? 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ये आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये आएगा. कैसे याद करूं? आप यहाँ पे ट्रिक समझ लीजिए फिर, अगर आपको नहीं पता उसी प्रकार से स्क्वायर रूट वाले होंगे, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा फील करना, समझना. आप क्या चाहते हो, ट्रिक को सेव भी कर दूं क्या? वैसे यहीं पे बता देते. देखो ये तो आपका आपने ऐसा किया हुआ है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है ना, ये तो टैन इनवर्स एक्स होता था, तो वन की जगह, वन स्क्वायर की जगह मैंने ए स्क्वायर डाल दिया, तो ये वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी हो गया. इसमें दिक्कत नहीं है, है ना? मेजर जो आपकी ट्रिक लगती है वो इधर लगती है. तनिक देखिए सही इसको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देखो वन अपॉन टू ए इंटू लॉग, वन अपॉन टू ए इंटू लॉग तो दोनों पे है, ये भी मॉडी होना चाहिए था. बस दिक्कत कहाँ है कि किस में ऊपर प्लस है किस में ऊपर माइनस है. तो इसके अंदर सारे के सारे बच्चे अभी स्पैम कर दें ए स्क्वायर ओ पी, ठीक है? ट्रिक का नाम क्या है? ए स्क्वायर ओ पी, यानी सारा का सारा डिसीजन ए स्क्वायर के लिए ही, ए स्क्वायर के कारण ही लिया जाएगा. कैसे देख लो, अभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को यू कैन ऑलवेज स्प्लिट एज एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए. समझ में आया? एक फैक्टर ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, कैसे डिसाइड करूं? भैया जो ए स्क्वायर ने कह दिया, ए स्क्वायर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ए स्क्वायर नेगेटिव है, नेगेटिव वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा, दूसरा वाला नीचे, सही है? ओके. सेम वे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको पता है ना, आप इसको भी तो तोड़िंग तोड़िंग कर सकते हो, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स. अब सवाल तो वही है ना दोस्त, एक ऊपर आ रहा है एक नीचे, तो ए स्क्वायर ओ पी, ए स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है तो ए प्लस एक्स ऊपर आ रहा है और माइनस एक्स नीचे आ रहा है. तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हार्ट उड़ जाने चाहिए इन द चैट सेक्शन, ताकि मुझे भी भरोसा हो जाए कि मेरे बच्चे समझ गए हैं. फिर ये छोटू सी ट्रिक है लेकिन बहुत दमदार है, ताकि आप मिस्टेक ना करो, ठीक है? नाइस. अच्छा जी, अब ये क्या प्रॉब्लम है? रूट अगर आ जाए तो, अरे रूट आ जाए तो टेंशन काहे को लेने का. क्या है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये तो साइन इनवर्स का ही रूप है. बेसिकली क्या होता है ना, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स बाय
सी प्लस साइन इन वर्स ऑफ एक्स प्लस सी लिखते हो, उसकी जगह ए है। बस याद रखना यहाँ पे 1/a आया था या 1/a नहीं आता, तो ये तो एक्सेप्शनल केस है आपका, ये वाला और पीछे वाले ये दोनों एक्सेप्शनल केस थे। यार केमिस्ट्री में इतने एक्सेप्शनल केस होते हो करते हो, एक नेहा मैम के साथ नहीं कर सकते, मैं नहीं खेल रही फिर। अच्छा अब यहाँ समझो, यहाँ क्या ट्रिक क्या है? ट्रिक है ही नहीं यहाँ, तो ट्रिक नहीं है यहाँ, तो बेटा मेरे टेपू बच्चे हैं। कितने बच्चे ये काम करते हैं? मेरे टेपू बच्चे। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, जब आप कोई असाइनमेंट देती है टीचर या कोई होमवर्क सबमिट करना होता है, नॉर्मली स्कूल्स में एक ज़ीरो पीरियड होता है, मतलब बिफोर योर टाइम टेबल किक्स इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा ऐसा करके, तो एक ज़ीरो पीरियड होता है बिगनिंग, उसमें हम जो टॉपर या जिसने होमवर्क किया उसी का टेप रहे होते हैं। सच्ची सच बताओ, छूट मत बोलो, बोल मैडम भाई साहब पता है मुझे कर चुके हैं ये, है ना? या तो तुमने कॉपी मारा होगा या कभी मरवाया होगा कॉपी, करेक्ट है ना? हाँ, तो यही टेपू यहाँ पे करना है, तो उसको कहते हैं क्या है, टेप रहे हैं यार हम, टेप रहे हैं, तो बस यही टेप यहाँ करना है। देखो दोनों में लॉग है, दोनों में ये जो भी लीनियर फंक्शन है इधर है एक्स प्लस, अब यही इधर टेप दो, यही इधर टेप दो, खुश रहो घर जाओ, है ना? इजी है ना? अरे नेहा मैम इतना सच थोड़ी ना बोलना था, इतना सच थोड़ी ना बोलना था, ठीक है? चलिए इस सवाल को करते हैं। तो अब आपको यार ये समझ लेना कि कोफिशियंट मतलब जो भी है ना, इसकी इसके न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंट चलेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अब ये वो 1/a वाला फॉर्म है, 1/4 tan inverse of x/4 plus c, राइट है ना? वेरी गुड। टूटा हुआ सा साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। यार यहाँ पे ना थोड़ा सा चलो कर ही लोगे, वैसे तुम स्मार्ट तो हो। मैं बेसिकली कह रही थी कि यार देखो ऐसा है, इसके अंदर तो फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो लाना पड़ेगा ना, वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर ही नहीं आया, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं? कोई झूठ नहीं बोलेगा, सच्ची बता दो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कितने बच्चों को आता है? अरे जो कोफिशियंट ऑफ एक्स होता है ना बेटा, उसी को हाफ कर दो, 3/2 उसी को स्क्वायर कर दो, वही ऐड कर दो, वही फिर सबट्रैक्ट कर देना। ठीक है, ये आ जाएगा -1/4, ये -1/4 आ जाएगा, जिसको मैं ऐसे लिख रही हूँ। समझ आ गया? लीनियर फंक्शन इधर चलेगा, लीनियर फंक्शन चलेगा। अब इसको थोड़ा सा ऐसे विजुअलाइज करो, 1/x² - a² स्क्वायर रूट में है, तो टेपू बच्चे मेरे क्या बोलेंगे? टेपू बच्चे बोलेंगे नहीं हाँ मैम ऐसा है, यही पूरा x है तुम्हारा, लीनियर है तो चलेगा, प्लस इसी को पूरा टेप दो। खत्म, टाटा बाय बाय, घर जाओ। नेहा मैम हम घर पे ही बैठ के देख रहे हैं, चलो अच्छी बात है, बट आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है चलिए, ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वाला फंडा है जो आई गेस आई वुड लाइक टू टेल यू। जैसे कि हम थोड़ा आगे जाए इस चैप्टर में, एक और छोटी सी चीज़ बता रही हूँ, हल्का सा बिल्कुल हल्का फुल्का सा डेफिनेट इंटीग्रेशन का आइडिया दे रही हूँ। ये क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस है, जो क्या कहता है, आप इंटीग्रेशन करके ना इसमें कोई प्लस सी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भी आंसर होता है उसके अंदर, अरे ऐसा कैसा पलट गया तुम, उसके अंदर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हो, तो क्या होता है ना, प्लस सी माइनस सी तो कट जाता है, सिर्फ ये बच जाता है। ठीक है, एंड आपका बेसिकली क्या है ना, यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो एक अनबाउंडेड एरिया देता है, लेकिन यहाँ पे आपने लिमिट फिक्स की होती है तो ये बाउंडेड एरिया देता है, यही आपका एरिया अंडर द कर्व। हाँ, ऊपर कर दो फिर। तो इसमें क्या है, एक्स रेस टू पर हाफ है बेसिकली, ये 1/3 एक्स रेस टू पर माइनस हाफ है। ठीक है, इनको अगर आपने इंटीग्रेट करना है कि क्या होगा, एक्स रेस टू पर हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन प्लस 1/3 एक्स रेस टू पर माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन। सी मत लिखना क्योंकि आपने ये वैल्यू डालनी है,
या जगह 3/2, तो ऐसे लिख सकते हो, आपका आना दिल धड़काना मेहंदी लगा के यूं शर्माना प्यार आ गया रे। 2/3 तो चाहे कॉमन ही ले लीजिए, एंड यहाँ करोगे 9^3/2 है ना, प्लस 9^1/2 माइनस 4^3/2 प्लस 4^1/2। ठीक है बच्चा, आई होप मेरा बच्चा ये कर लेगा, राइट। सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट दैट। जैसे इसके अंदर भी मैं सीकेंट स्क्वायर 2x-1 करके, आपका tan 2x-1 आएगा आंसर, tan 2x-x। अब इसके अंदर बस वैल्यूज डालने, बस इतनी सी बात है, और आगे आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि ये यार आपका बेसिक लेवल है। अब टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, तो ये तो आई थिंक सबको बच्चों को चमक गया होगा, एक बार लिख दो इन द चैट सेक्शन चमका कि नहीं। लेकिन अगर आप जेई लेवल का, अगर आपको लगता है कि देखो आज का ये सेशन दोबारा से रिवाइज करके, अभी थोड़ी देर में जब DPP मिलेगी कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप ऑफ मैथमेटिकली इंक्लाइंड पे, तो मैं आप लोग को मतलब DPP शेयर होगी वो करने के बाद। बेसिकली गेम ये 100 मिनट की है कि आप 70-75 मिनट के सेशन अटेंड करके, रिवाइज करके और अपनी DPP सॉल्व करो, जिसमें 10-11 क्वेश्चन होते हैं बेसिक वाले, ये करने के बाद। अब अगर आप कहते हो यार मैं जेई के लिए तैयार हूँ, तो आपको क्या करना है, अरे आई टेल यू, हाँ आप जा सकते हो यहाँ पे tinyurl.com/jeeiwithneha मैम, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप लोग को मिल जाएगा। कूल, एंड ऑल यू गाइज नीड टू डू इज यहाँ पे इस टॉपिक को, तो यहाँ पे सारे के सारे आपके यूनिट वाइज चैप्टर वाइज सेशन लग रखे हैं जेई के, राइट। ऑब्वियसली डोंट वेट फॉर मी टू स्टार्ट अ न्यू लाइव सीरीज, वो तो होगा ही इवेंचुअली, लेकिन यू डोंट हैव टू वेट, क्योंकि सारा ऑलरेडी आपके सेशंस बने हुए हैं। तो कैलकुलस में जाओगे यहाँ, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे पूरी इंटीग्रेशन के, एंड यू कैन सॉल्व पूरे मतलब जेई मेन्स इन एडवांस की थ्योरी रिवाइज करने के बाद, यू कैन मूव ऑन टू 23 क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद 2022, ऐसे ही पीछे आप जा सकते हो। NTA अभ्यास के काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, तो आपके लिए ना एक फाउंडेशन सेट कर दिया है। तुम्हें इस पढ़ने से किसने रोका है, मैंने तो नहीं रोका है ना। सो गो अहेड एक्सप्लोर दिस रिसोर्स, एंड अब आपको अगर ये मेरा हैंड रिटन वाला प्यारा प्यारा PDF चाहिए और DPP चाहिए, देन ऑल यू हैव टू डू इज वन थिंग, इस वक्त जो वीडियो आप लाइव देख रहे हो कि नहीं देख रहे, जो वीडियो आप देख रहे हो इसके लाइव चैट में आपके लिए पूरी बिगिनर्स प्लेलिस्ट पिन कर दी गई है, ठीक है, जिसका फिलहाल टॉप सेशन जो है वो है नेक्स्ट सेशन आपका कल रात 9 बजे का बायनोमियल थ्योरम। सो यू हैव टू सबसे पहले तो रिमाइंडर ऑन कर दो ताकि भूलो नहीं, एंड सेकेंडली यू हैव टू हिट द लाइक बटन एज सून एज यू टेक दीज लाइक्स टू 100 लाइक्स, DPP और PDF दोनों के दोनों आपको मिल जाएंगे, DPP टेलीग्राम ग्रुप में एंड PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं भी ज़रा देखो कितनी जल्दी ये काम होता है, क्योंकि बॉस देखो हर चीज़ की ना कीमत होती है, लेकिन YouTube पर दिस इज माई विजन विद द चैनल कि यार इसको मैं फ्री रखूं, बच्चों के लिए क्वालिटी कंटेंट पहुंचे, एंड सिर्फ कहने के लिए नहीं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि यार ये सीरीज़ एक चला दी है बाकी सब के लिए कोर्स ले लो। एंड इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है जो मैंने आपको अभी टाइनी URL दिखाया, इसके अंदर लिटरली 7000 से भी ज़्यादा जे के क्वेश्चन सॉल्व है, एंड आप स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो मेन्स की, और इसी को स्क्रोल डाउन करोगे तो एडवांस के भी सेशंस लगे हुए हैं। तुम करने के लिए अगर सीरियस हो, तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ सकते हो, देन इट इज़ अ ग्रेट रिसोर्स। एंड इसके बदले में सिर्फ मुझे आपका लव एंड सपोर्ट चाहिए, सो मेक श्योर यू टेल दिस यू नो टू योर जूनियर्स कि हाँ यार अगर आपको इफेक्टिव लगता है ये चैनल, यूजफुल लगता है, तो यू मस्ट पास ऑन द बैटन टू योर जूनियर्स। सेकेंडली मेक श्योर यू हिटिंग द लाइक बटन, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना 100 मिनट्स बेसिक्स इंटीग्रेशन डन, DPP कर लोगे तो DPP डन दिखने ज़रूर आना, एंड
मेक श्योर टू सपोर्ट द चैनल बाय हिटिंग द लाइक बटन. मतलब ये तो काम करना है यार, वरना देखो मैं नहीं खेलूंगी फिर. ठीक है जी, चलो जल्दी जल्दी से ये काम करो और डन लिखो. जितने भी बच्चे हैं ये काम करो और डन लिखो. मैं बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि जैसे ही तुम ये काम कर दोगे तुमको भी आगे तुम्हारा इनाम मिल जाएगा. इतनी सी बात है, यही इस चैनल की फीस है. राइट, सो ऑन दिस नोट कि मेरे बच्चों ने ये काम कर दिया होगा, आई विल सी यू गाइज लाइव अगेन. ठीक है, चलिए जी फिर मिल के मचाएंगे, आग लगाएंगे, साथ में चल के पेपर फोड़ के आएंगे. राइट, ऑल राइट बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय. ठीक है, तो जैसे ही ये काम हो जाएगा आपको भी, जैसे मैंने कहा, आपका इनाम मिल जाएगा. सी यू.